Hello everyone, welcome to our YouTube channel Homeopathy, and here Samriddhi Sharma is here to guide you. And in this video we will be going to discuss ipecac medicine with you all. तो ipecac के जो तीन important symptoms हैं वो सबको पता होंगे कि ये thirstless medicine है, दूसरा ये hemorrhagic medicine है और तीसरा ये है कि ये जो है इसमें नौशिया बहुत ही ज्यादा रहता है, कॉन्स्टेंट और कंटिन्यूस नौशिया रहता है. ये तीनों चीजें आप सबको पता होगी, लेकिन इस वीडियो में कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ जो आपको ऐसे की ऐसे याद रखनी है. और अगर आपने ये सिम्टम्स याद रख लिए तो एक ipecac मेडिसिन आपकी पूरी की पूरी कवर होने वाली है. तो चलिए इस वीडियो में आपसे ये डिस्कस करने वाली हूँ. अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट चीज ipecac की है कि ये थर्सलेस मेडिसिन है, और दूसरी है कि हैमरेज है. अब हैमरेज जो है वो प्रोफ्यूज होता है, ब्राइट रेड होता है. एक्टिव और पैसिव दोनों हैमरेज जो है वो ipecac में आते हैं. तीसरा इम्पोर्टेंट सिम्टम है कॉन्स्टेंट कंटिन्यूस नॉशिएटिंग फीलिंग. कोई सी भी तकलीफ हो मरीज को, साथ में नॉशिएटिंग फीलिंग रहती है. अगर प्रेग्नेंट फीमेल है और प्रेगनेंसी के टाइम पर उसको नॉशिएटिंग फीलिंग हो रही है तो ipecac हम दे सकते हैं. और ipecac तब भी काम में आती है जब नॉशिएटिक फीलिंग हो किसी भी बीमारी के साथ और कॉन्स्टेंट नौशिया मरीज को हो. तो ये तीनों चीजें जो है ये सबको पता होती है इस मेडिसिन के बारे में. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो ऑटमनल डिसेंट्री होती है. डिसेंट्री, आई थिंक यू ऑल आर क्लियर विद द वर्ड डिसेंट्री का मतलब क्या होता है. ऑटमनल मतलब की जो सेप्टेम्बर और अक्टूबर का महीना होता है उस टाइम पे जो डिसेंट्री होती है उसकी ये बहुत अच्छी दवाई है. जब जो ब्लड है वो स्टूल के अंदर आता है, यानी कि एक तरीके का इन्फेक्शन हुआ है इंटेस्टाइन का, उस समय जो ब्लड आ रहा है और ऑटम के टाइम पर आ रहा है यानी कि सितंबर और अक्टूबर के महीने के टाइम पर आ रहा है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है. अब एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर इसका ये है कि मरीज ये बताता है कि जो अम्ब्लाइकस है, अम्ब्लाइकस के आसपास उसके पेन हो रहा है, कटिंग पेन होता है, यानी कि एक तरीके से कोई नाइफ चुभ रहा है या फिर सुइयां चुभ रही है, इस तरीके का जो दर्द होता है वो अम्ब्लाइकस के आसपास होता है. और इस पेन की एक फीचर ये भी है कि पेन जो है वो लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करता है. तो कटिंग पेन अराउंड द अम्ब्लाइकस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है ipecac. दूसरी जो दवाइयां हैं वो है ग्रेनेटम, जो अनार से बनी हुई दवाई है, और है नक्स मोस्काटा. नक्स मोस्काटा, ग्रेनेटम, ipecac जो है इन सब में अम्ब्लाइकस के आसपास पेन होता है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ipecac की है यहाँ पे ये है कि इसके गैस्ट्रिक सिम्टम्स जो है बहुत ज्यादा प्री डोमिनेटिंग करते हैं. अब गैस्ट्रिक सिम्टम्स जहां पे हमारे दिमाग में आते हैं, सबसे पहले हम नक्स वोमिका को देते हैं मरीज को. लेकिन नक्स वोमिका से पहले अगर हमको ये पता चल जाए कि अगर हमने एलन स्की नोट ढंग से पढ़ी हो तो उसमें साफ शब्दों में ipecac में लिखा हुआ है अगर गैस्ट्रिक सिम्टम्स प्री डोमिनेट करते हैं तो तीन दवाइयां आती है. सबसे पहली दवाई आती है ipecac, दूसरी आती है एंटियम क्रूड और तीसरी आती है पल्सेटिला. तो ये तीनों दवाइयां जो है ये हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं उनके लिए. तो गैस्ट्रिक सिम्टम के साथ अगर मरीज को नॉशिएटिक फीलिंग है तो ipecac, एंटियम क्रूड और जो पल्सेटिला है ये हम देखते हैं. अब एक दवाई और है कि एंटियम टार्ट. क्रूड तो हमने देख ली कि जो जीआईटी सिम्टम्स हैं उनके लिए प्रीडोमिनेटिंग है. एंटियम टार्ट जो है वो सबसे ज्यादा है जब रेटलिंग कफ होता है उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है. तो एंटियम टार्ट के साथ ipecac जो है वो भी एक बहुत अच्छी दवाई है जहां पे रेटलिंग कफ मरीज के अंदर देखने को मिलता है. अब किसी को अगर ये नहीं पता कि रेटलिंग कफ क्या होता है, वूपिंग कफ क्या होता है, वीजिंग कफ क्या होता है, तो इसकी जो साउंड है वो मैंने आपको वीडियो में बिल्कुल सुना रखी है, जिसको आप देख सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहां से जाके आप जो वूपिंग कफ की साउंड है, वीजिंग कफ की साउंड है, अस्थमेटिक कफ की साउंड है, वो जाके आप वहां पे सुन सकते हैं. तो ये जो एंटियम टार्ट है और जो ipecac है ये दोनों बहुत अच्छी दवाई है वूपिंग कफ के लिए. और जब मरीज को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है कफ इकट्ठा हो गया है और वो कफ जो है बहुत ज्यादा रेटल कर रहा है यानी कि बहुत ज्यादा आवाज करता है, तो बहुत सारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो दवाई देते हैं एंटियम टार्ट. बट एट द टाइम यू शुड ऑल्सो रिमेम्बर ipecac ऑल्सो. ipecac में भी जो रेटलिंग कफ है वो आता है. अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसकी कि जो म्यूकस है, जैसे यहाँ पे म्यूकस इकट्ठा हुआ, अब मरीज को क्या हो रहा है कि बार बार ऐसी फीलिंग होती है कि उल्टी कर ले उल्टी कर ले, तो उस समय क्या होता है कि कई मरीज ये बोलते हैं कि उल्टी के साथ जो है लार ही लार मरीज के निकलती है. वॉमिटिंग में जो मेनली है कंटेंट आता है गैस्ट्रिक कंटेंट, लेकिन अगर बहुत ज्यादा
ग्लेरी म्यूकस निकल रहा है, तो इपिकाक बहुत अच्छी दवाई है। और टार्ट जो है वो उसमें भी वॉमिटिंग है, साथ ही साथ हम देखेंगे रेटलिंग कफ जो है वो देखने को मिलता है। अब हम बात करें इसके डायरिया की, तो डायरिया जो है वो फ्रोदी मॉलिस लाइक डायरिया होता है, यानी कि ग्रासी ग्रीन कलर का जो डायरिया है, स्टूल्स हैं ग्रासी ग्रीन कलर के होते हैं, तो ये इसमें देखने को मिलता है। अगर हम फीवर की बात करें तो फीवर के टाइम पर भी इसमें एक चीज बिल्कुल वैसे की वैसे रहेगी कॉन्स्टेंट, जो है इसकी थर्सलेसनेस, और साथ ही साथ जो इसका जो मरीज का है हेमरेज साथ में, और उसके साथ जो है इसका नॉशिएटिंग फीलिंग, तो ये तीनों चीजें जो है ये फीवर के साथ में रहेगी, इंटरमिटेंट फीवर रहेगा। लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इपिकाक की है वो है कि इसका जो डिस्पेप्सिया है, इंटरमिटेंट डिस्पेप्सिया है, जो हर दिन आएगा और सेम आर पे आएगा, जो पीरियोडिकल होगा इंटरमिटेंट डिस्पेप्सिया, तो ये सारी चीजें जो है ये आपको बिल्कुल ऐसे कि ऐसे ध्यान रखनी है अगर आप इपिकाक को किसी को प्रिस्क्राइब करते हो। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नो मोर।